हावरपुर में खैरपुर टामे वाली के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। दो बसें आपस में टकरा गई हैं। गुलाम शबीर एएसआई समेत पांच अफराद जा बहक हो चुके हैं। 30 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू इदारे मौका पर मौजूद हैं। जख्मियों को निकालने और तिबी इमदाद का काम इस वक्त जारी है। डीएसपी खैरपुर एसएचओ खैरपुर पुलिस नफरी के हमराह मौजूद हैं। डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान का कहना है कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। खैरपुर टामे वाली के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। खैरपुर टामे वाली के करीब दो बसें आपस में टकरा गई हैं। गुलाम शबीर एएसआई समेत पांच अफराद जाबहक हो चुके हैं, जबकि 30 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू इदारे भी पहुंच चुके हैं। जख्मियों को निकालने और तिब इमदाद का काम जारी है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। अभी बिल्कुल भावलपुर से 370 या 765 किलोमीटर दूर है तो पाने वाली है। वहां पर हम जाए मौजूद नहीं है। थोड़ी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां से लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इस हवाले की जो हमें इतलात मिल रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जिसमें जख्मियों को फोन पर अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और जो डेड बॉडीज है वहां पर रखने के बाद उनको वर्षा आने पर उनके हवाले किया जाएगा। उनकी शिनाख्त का अमल जारी है। तो इस हवाले से फिलहाल जो प्रायोरिटी है, ये पहली तरजीह है, वो यही है कि जख्मियों को सील किया जा सके, उन्हें फोन तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और बावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया जा सके। ठीक है महमूद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि भावलपुर में खैरपुर टामे वाली के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। दो बसें आपस में टकराई हैं। मुसाफिर बसें थीं जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। गुलाम शबीर एएसआई समेत पांच अफराद इसमें जाबहक हुए हैं। 30 मुसाफिर जख्मी भी हो चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू इदारे भी मौका पर मौजूद हैं। जख्मियों को निकालने और तिबी इमदाद का काम इस वक्त जारी है। डीएसपी एसएचओ खैरपुर और पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। महमूद हमारे साथ ही मौजूद है। महमूद, ये भी बताएगा कि रेस्क्यू के कितनी गाड़ियां हैं, कितना अमला वहां पर मौजूद है, क्या इत्तला है अब तक पहुंची?